हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आदाब सत श्री अकाल राम राम सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे गति के तीन समीकरण से रिलेटेड। जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, ऊपर फेंकते हैं या वस्तु को नीचे फेंकते हैं, तो ऊंचाई कितनी होती है, टाइम कितना है, इस गति के तीन समीकरण पे बस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले न्यूमेरिकल पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे शॉर्ट की वीडियो बहुत कमाल के होते हैं, आप पूरा देखिएगा। ठीक है, 15 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगी, लेके आती हूँ, जो बहुत अलग होते हैं और जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर कैंडिडेट्स गलती करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सही वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी में एक बैच स्टार्ट हुआ है MP TET के लिए, तो MP TET के लिए बैच जो है 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, और इसमें जो है ये कंप्लीट बैच कोर्स है, और इसमें ये वाले एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ ही ये इस पर 80% डिस्काउंट भी है, यानी कि आपको 20% में सारा MP TET का ये कोर्स मिलने वाला है, और ये 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसमें अगर आप T10 कोड यूज़ करते हो, TA10, तो आपको है 10% ऑफ मिलने वाला है। साथ ही एक CTET के लिए बैच है जो स्टार्ट हो रखा है, वो 14 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट होगा। कंप्लीट बैच कोर्स है, इसमें ये वाले एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, इस पर भी जो है 80% डिस्काउंट है, और ये बैच 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये विद मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 729 रुपये में आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। साथ ही मेरी अनअकैडमी पर डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, तो आप वहाँ आके मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पे हम डेली डिस्कस करते हैं 5 से 6 और 9 से 10। प्लस में जो है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस में जो है आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन बाय टॉप एजुकेटर, तो ये सब मिलता है जब आप लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आपको देखना है कि प्लस फीचर्स क्या क्या है, क्या मिलता है जब आप लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे सिलेबस को कवर करवाया जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, फिर वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये सब मिलते हैं जब आप लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, और T10 कोड यूज़ करने पर 10% ऑफ आपको मिलता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। पहला ही क्वेश्चन देखो, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट करना। पहले तो गति के तीन समीकरण देखो, V=U+AT होता है, इसकी जगह यदि गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो GT कर देना, यदि वस्तु को ऊपर फेंका या नीचे फेंका, है ना। AT एक्सेलरेशन तो त्वरण जो होता है, या हम जब गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर फेंका या नीचे की ओर फेंका, इसमें हम जी ले लेंगे। ठीक है, S=2 होता है UT+ ½ GT2, ठीक है, ½ GT2, और एक होता है V²=U²+2AS, यानी कि 2GS। ठीक है, ये तीन समीकरण होते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो G है उसको अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, ऊपर की ओर अगर हम कोई वस्तु को फेंकते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, और जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है तो जी को आपको -G लेना है। ठीक है, यहाँ पे दूरी अब आपको नहीं समझ आती है, तो जी यदि नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर लेना है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है। ठीक है, नेगेटिव दूरी होने का मतलब दिशा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी को -G लेना, ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूल भी जाओ कब जी लेना है, भूलना तो क्या है वैसे, अगर ऊपर से गिराते हो यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे आ रही है, तो जी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की ओर लग रही है, तो जी पॉजिटिव आएगा, अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके विपरीत जा रही है, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, वैसे दूरी समझ गए ना आप। ठीक है, तो ये तो इतनी बात समझ आ गया, अब ये फॉर्मूला कब लगना है। ठीक है, अगर बात करें ऊंचाई की और टाइम की, ठीक है, अगर बात करें ऊंचाई की, कितने टाइम में ऊपर गई नीचे आई, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एस है, एस क्या है, ऊंचाई हाइट, और टी टाइम की भी बात हो रही है, केवल वेग और ऊंचाई जब की बात ही नहीं हो रही है ऊंचाई की। ठीक है, ऊंचाई की बात नहीं हो रही है तो पहला वाला समीकरण आपको लगाना है, V=U-GT। ठीक है, ऊपर फेंका तो, और अगर ऊंचाई और वेग की बात कर रहे हो और टाइम कुछ मीनिंग नहीं है, टाइम मतलब नहीं है, तो उस टाइम आप तीसरे समीकरण पे जाओगे। समझ आई बात, जब टाइम नहीं है और ऊंचाई और वेग की बात करें तो आप तीसरे समीकरण पे जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना।
ओके तो अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या है 9.6 मीटर ऊंची मीनार। ये मीनार है जो 9.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्र छोड़ा जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वे क्या था। एक चीज और, बहुत ही पहले कॉन्सेप्ट समझना आप, ये तीन ये समझिए, इसके बाद में कॉन्सेप्ट आप समझोगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये है मीनार, ठीक है। इस मीनार पे कोई आदमी बैठा हुआ है तो ये क्या करता है, कोई वस्तु को छोड़ता है। छोड़ना मतलब हम जो है किसी वस्तु को किसी वेग दे के नहीं गिरा रहे, हम केवल जस्ट छोड़ रहे। छोड़ेंगे तो भी वस्तु ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खींच लेगी वस्तु। तो यहाँ हम कैसी, अगर ऐसा है कि ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं तो यहाँ का प्रारंभिक वेग क्या होगा, कुछ वेग दिया क्या, यू हमने जो प्रारंभिक वेग दिया यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर हम नीचे से फेंकते हैं, नीचे से फेंकते हैं तब क्या होता है, नीचे तो हम कुछ ना कुछ वेग देके ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, वेग देके, तो u यहाँ जीरो नहीं होगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर बिना वेग के जाएगी क्या, नहीं जाएगी। अगर बिना वेग के जाती तो हम भी ऊपर चले जाते, ठीक है, तो बिना वेग के नहीं जाएगी। तो u यहाँ पे जीरो नहीं होता है, तो क्या जीरो होता है, v की यहाँ बात ही नहीं करेंगे, v तो होता है अंतिम वेग लास्ट में जाके। अब हमने फेंका, कितनी ऊपर जाएगी, कितना दम है, ठीक है, मान लिया यहां तक जाती है। यहां तक जाने का मीनिंग क्या है, यहां जाते ही कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी ना, जहां रुकेगी मतलब हमने जो वेग जो दे रहे थे हमने यहाँ वेग दिया उसको, यानी कि बल जो लगाया, अब वो बल का मान शून्य हो गया है, यानी कि यहां जाते वी का मान जैसे ही जीरो हो गया हुआ, वो वस्तु रेस्ट में आके फिर नीचे ये नीचे गिराएगी, क्योंकि अब पृथ्वी खींच रही है उसको। तो वी क्या होगा, यहाँ अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा हमने एक वस्तु को फेंका ऊपर और 6 सेकंड बाद हमारे हाथों में वापस आ गई, आगे क्वेश्चन भी लिया है, कितने ही सेकंड में, इतने टाइम के बाद हमारे हाथों में वापस आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हमने फेंका ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो ये जो अपने हाथों में वापस आई ये डबल टाइम है। ऊपर एक बार हमने फेंका, ऊपर गई, इसमें जो टाइम लगा जैसे 5 सेकंड लगा मानो, ठीक है, तो यहाँ वेग हो गया जीरो, इसके बाद जीरो होते ही वापस नीचे गिरेगी, ये अपन ने हाथों में आ गई, तो अपने जितना 5 सेकंड जाने में लगा उतना ही 5 सेकंड आने में लगा, तो हम बोले कि 10 सेकंड जो है हमारे हाथों में आई 10 सेकंड बाद में। तो हमेशा याद रखना जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 सेकंड लेना इस ऊंचाई में, ठीक है, आधा करना, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। तो यू और वी का कॉन्सेप्ट और एक टाइम का कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, बाकी फॉर्मूले आपको समझ आई गए। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या था कि मीनार जो है 19.6 मीटर ऊंची है और यहाँ से हम कोई वस्तु छोड़ रहे हैं तो वेग पूछा है, तो u क्या है, जीरो है। v हमें पता करना है कि कितना होगा और h हमें दे रखी है, तो बताओ टाइम काम में ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, तो टाइम वाला फॉर्मूला भी हम काम में नहीं लेंगे, हम नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, देखो ये वी स्क्वायर इधर माइनस, ये ऐसा होता है 2gs, ठीक है, नहीं भी पता चले ना, ठीक है, नहीं भी पता चले ना तो आप g को माइनस जी कैसे ही माइनस मत लेना बाद में, ठीक है। u स्क्वायर क्या है, u तो जीरो है, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2gs आ गया, ठीक है। g क्या है यहाँ पे, v क्या है, v तो हमसे पूछा गया है, अच्छा 2 इंटू जी क्या है 9.8 होता है और s क्या है, s अपन ने दिया है 19.6, ठीक है, ये आया, तो v क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ही तो आएगा, v लिया हमने। अब देखो 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 एक 19 पॉइंट, ये 8 ही है, ठीक है, क्योंकि 6 है दोनों, 19.8 और 19.8 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 19.8 ही आ जाएगा, ठीक है, लगभग मान के चलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये 19.6 जो आया यानी कि 8 के लगभग, तो ये जो है इसका आंसर आ गया, समझ के, यहाँ तो आप स्क्वायर रूट तो कर ही लोगे, क्लियर ना, कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कैसे क्या कुछ करना है ये आपको बताया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई, ऊपर फेंक रहे की गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, मैंने गेंद को ऊपर फेंका 6 सेकंड बाद में मुझे मिल गई, ओके, तो बताइए कि गेंद किस वेग से ऊपर फेंकी गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूरी की कुछ बात हो रही है, बात ही नहीं हो रही,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहां से मैंने फेंका, यहां तक गई, यहां से फेंका तो नीचे से ऊपर फेंकने के लिए तो यू चाहिए, तो हमने, अच्छा इसने कितने में फेंका ये तो पता ही नहीं है, इसको यू तो ज्ञात करना कि कितने वेग से फेंका आपने, लेकिन जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक जगह जाके वो रुकेगी और फिर नीचे आ जाएगी, नीचे अपने हाथों में आई 6 सेकंड बाद में, तो 3 सेकंड इसने जाने में लिए होंगे और 3 सेकंड इसने आने में लिए होंगे। ठीक है, अपन तो आने की बात ही नहीं करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे पहला, क्योंकि दूरी की बात नहीं हो रही, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना, u प्लस जी टी। अब g प्लस देखो ऊपर फेंक रहे हैं तो g को क्या लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, और v क्या है, ऊपर पहुंचते ही जीरो, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो v जीरो होगा लास्ट में जाके अंतिम वेग, और ऊपर से फेंकेंगे तो u जीरो होगा। ठीक है, तो v हमें ज्ञात करना, v तो जीरो हो गया, और u माइनस जी टी इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू क्या आ गया, z इंटू टी, z हम जानते हैं 10 ले लेंगे या 9.8, क्वेश्चन में क्या आंसर है उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। टाइम क्या है, टाइम देखो 3 सेकंड या 6 नहीं ले लेना है, ठीक है, 3 सेकंड करेंगे, क्योंकि पहले जाते यहां तो जीरो हुआ, इसके बाद की तो हमने बात ही नहीं की, v जीरो हुआ, यही तो लिया अपन ने, तो 30 है ना, किस वेग से फेंका था अपना, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था, स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड, ये भी ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर, तो 30 आंसर आ जाएगा। ओके, 9.8 से तो 27 के लगभग आता ना, 9.8 ही, अगर 9.8 वाला अगर आंसर है तो फिर अपन 10 नहीं ले सकते, 8 3 24, यस, 9 3 27 और 1 28 29, यस, इस बार ये आंसर आएगा, देखो, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, 30 है लेकिन 29.4, तो करेक्ट अगर आंसर पड़ा है तो 30 10 नहीं ले सकते, अभी क्या लोगे आप, ये 9.8 लोगे, तो आंसर क्या आएगा, 29.4 आएगा, वाह क्या क्वेश्चन है ना, वैसे ऐसा नहीं आएगा कि ये दोनों चीज़ें, लेकिन एक बार ध्यान जरूर कर लेना, जब ऐसे ही आंसर हो, जैसे अभी पॉइंट में था, मुझे लग गया कि हाँ ऐसे है तो 9.8 लूंगी, अदरवाइज अप्रोक्स ले लेते हैं अपन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी पत्र को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की, प्रारंभिक वेग रहेगा मतलब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर, तो पत्र द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय ज्ञात करो, हमने फेंका यहां तक पहुंची इसके बाद में रुकी क्यों, क्योंकि इसका वेग जीरो हो गया, अब क्या है, ये खींच रही है, आगे की बात ही नहीं करेंगे, यू कितना था, यू था 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, एच ऊंचाई, टाइम की बात हो रही है क्या, बात ही नहीं हो रही है, तो हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अधिकतम ऊंचाई ना, समय पूछा है हमें, अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, समय की और ऊंचाई की बात हो गया, तो s इक्वल्स टू ut प्लस gt स्क्वायर होता है, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस करेंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, प्रारंभिक वेग, ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे लगा समय कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, ओ पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय, ये भी नहीं लगाएंगे हम, पहला ही लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई की बात, ऊंचाई दे रखी है, अधिकतम, ये तो बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी से ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, केवल टाइम पूछ रहा है और वेग की बात हो रही है, v कितना है, जीरो है, v जीरो है, u कितना है, u 20 है, 20 माइनस जी इंटू टी, जी पे यहाँ पे देखो काम चल जाएगा 10 से, ठीक है, 20 को इधर लाए, 20 इक्वल्स टू जी टी, तो जी कितना होता है 10, ठीक है, 10 से ये 2 सेकंड, तो टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि वापस अपनी जगह अपने हाथों में पहुंचने में कितना टाइम लेता, तो हम बोलते 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में, तो अपने हाथों में कब पहुंचेगी, 4 सेकंड बाद, तो ये डबल, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डबल करना ना भूले, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछे कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो अधिकतम ऊंचाई तो यही है, फिर तो नीचे आ रही है वापस, ठीक है, लेकिन ऐसा आ जाता कि अपने हाथों तक पहुंचने में कितना समय लगता, तो पहले तो आपको सोचोगे, ठीक है, एक बार ये लगा दिया आपने, आप सोचोगे कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, और मैंने बताया कि किस टाइप से। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 125 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्र छोड़ा जाता है, तो पत्र को नीचे पहुंचने में कितना समय लगा, इसमें क्या है, टाइम की बात हो रहा है, ऊंचाई की बात हो रहा है, तो पहले में ऊंचाई नहीं है, हटा दिया, v इक्वल टू u प्लस जी टी, हटाया, इसमें नहीं है, तीसरे में है जो v स्क्वायर
नीचे पहुंचने में कितना समय, तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस, उसमें टाइम नहीं है उसको हटा दिया, तो सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से फेंका है तो प्लस ही आएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कितनी एस क्या है, ऊंचाई है एच, 125 लिख दिया, ठीक है, ऊपर से छोड़ा जाता है यू, रहेगा क्या हम वेग दे रहे हैं क्या, ना छोड़ रहे हैं यहाँ जीरो वेग, तो u क्या है जीरो है, ये जीरो होते ये टर्म खलास हो गई, इसके बाद हाफ g कितना है टेन लो तो टेन ले लो इंटू टी स्क्वायर, टेन से काम चल जाएगा यहाँ पे, दो से कटा पांच बार और ये पांच इधर भाग लगेगा 125 में तो 25 बार, 25 क्या आ गया टी स्क्वायर आ गया, टी क्या आएगा टी अंडर रूट कर दो 25 का क्या होता है 5 सेकेंड, तो टी क्या आ गया 5 सेकेंड आ गया। समझ आए कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, समझे, और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि यू वी के बारे में थे और माइनस जी प्लस जी कब लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मुझे लगता है आपको इसको वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे वीडियोज के साथ।